आज पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। उत्तराखंड में हुई आज सुबह 10:55 पर हुई वो घटना जिसने एक बार फिर से हर किसी को हिला के रख दिया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। वो मंजर हर किसी को दहला देने वाला, और ये एक बहुत बड़ी घटना जिसमें ग्लेशियर के टूट जाने के बाद चमोली घाटी पूरी तरह से जल प्रलय में। स्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार प्रशासन की तमाम टीमें और यहां पर आपको बता दें कि इस घटना के बाद लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो नदी के आसपास के इलाकों को खाली कर सुरक्षित इलाकों पर जाएं ताकि जान माल की हानि को बचाया जा सके। और यूपी के राहत आयुक्त से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में फिर से तबाही का दृश्य देखने को मिला है, और जिस तरह से ग्लेशियर के लगातार बहने की वजह से बहाव इतना ज्यादा है नदी का, कई सारे लोगों के गायब होने की बात निकल कर आ रही है। सटा हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश, बड़ी जिम्मेवारियां हैं। इस वक्त हमारे साथ राहत साहब मौजूद हैं, संजय गोयल साहब, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और किस तरह की तैयारियां की जा रही है। सर देखिए, ये जो सूचना मिली हमें उत्तराखंड के बारे में, इसके संबंध में हमारे समस्त जनपदों को और समस्त मंडलायुक्त जो हमारे गंगा नदी के जो जनपद हैं, 27 जनपद आते हैं प्रदेश में, उनको सबको हाई अलर्ट जारी किया गया है। और हम लोग पूरी तैयारी से हैं। जनपदों में जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, और आपदा प्रबंधन से हमारे जितने भी जो हमारी टीम है वो लगातार इस चीज़ पर मॉनिटरिंग कर रही है। और जो हमारा जो वाटर लेवल है बेसिकली, उसको हम मॉनिटर करेंगे, और यदि आवश्यकता जैसी भी होगी उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं कि SDRF NDRF की टीम्स वहां रवाना की जाएं, खासतौर पर गंगा नदी से जुड़े जितने भी इलाके हैं और खासतौर पर उत्तराखंड से जुड़े हुए जितने भी अपने प्रदेश में जिले हैं, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिलाधिकारियों को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को जो हमारे NDRF की टीम है, जो उनके अधिकारी हैं, और जो हमारे SDRF की टीम है, जो हमारी टीम फॉर्मेशन हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। प्री पोजिशनिंग के लिए हमने आदेश दे दिए हैं, और जो जिलाधिकारी हैं उनसे सारे नंबर्स भी शेयर कर लिए गए हैं, और आवश्यकता अनुसार जहां जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पे तत्काल हम लोग ये टीम रवाना करेंगे। सर, 2013 में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली थी और बड़ी तादाद में तबाही हुई, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके भी जद में आए थे। उसके लिहाज से प्री प्रिपरेशन के तौर पर कुछ किया जा रहा है, वहाँ इवैक्यूएशन किया जा रहा है, उन इलाकों से हटाया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा नदी के करीब हैं। अभी जो मेरे को सूचना मिली उस हिसाब से मुझे जो जानकारी दी गई है वह यह है कि शायद इवैक्यूएशन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट हम अलर्ट पे हैं। कंटिंजेंसी प्लान समस्त जनपदों में ऑलरेडी बने हुए हैं इस चीज़ के, और जैसे उस पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी वैसे कार्रवाई की जाएगी, जैसे आपने बताया है और हमने निर्देश भी जारी किए हैं। SDRF की टीम और NDRF की टीम अलर्ट पे हैं, और उसको हम जो भी हमारे एक्शन प्लान होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, उत्तराखंड भी कुछ मतभेद जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, राहत विभाग की तरफ से, राहत कार्यालय की तरफ से, उत्तराखंड में क्योंकि भारी मात्रा में जिस तरह चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वहाँ की चीज़ें हो सकता है पर्याप्त ना हो, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से भी जिम्मेवारियाँ निभाई जा रही हैं। इस विषय में जैसे भी है उच्च निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ राहत आयुक्त साहब मौजूद थे और वो बता रहे थे कि कैसे इंतजाम किए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा, हम लोग इस वक्त भी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, हमारे चारों तरफ लगातार जैसे भी सूचनाएं आ रही हैं उसे मॉनिटर किया जा रहा है। एक बड़ी टीवी स्क्रीन हमारे सामने मौजूद है जहाँ पर जो भी सूचनाएं आ रही हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से भी उन्हें लगातार साझा किया जा रहा है, उनके अपडेट के हिसाब से राहत है जो मदद है वो भेजी जा रही है। कैमरामैन राम के साथ अभिषेक सिंह, K News लखनऊ।